गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हमारा C++ में BCA थर्ड सेम में जो टॉपिक है वो है फाइल ऑपरेशन, क्लासेस एंड फंक्शंस, क्लासेस के फंक्शंस। ठीक है, हमने कल फाइल ऑपरेशंस कुछ पढ़ा था, फाइल हैंडलिंग होती क्या है, कैसे काम करती है। उसके बाद हमारा है इसमें फाइल ऑपरेशन, क्लासेस एंड फंक्शन। क्लासेस में सबसे पहले हमारा फाइल में चलता है फाइल बफर। ठीक है, फाइल बफर किस तरीके से कार्य करता है, क्या फंक्शनैलिटी होती है। इट सेट्स द फाइल बफर स्टोर्ड टू रीड एंड राइट। इट कंटेन्स क्लोज फंक्शन एंड ओपन फंक्शन, मैपर फंक्शन इन इट। ठीक है, ये क्या करता है, रीड और राइट ऑपरेशन को परफॉर्म करता है फाइल के बफर के अंदर। ठीक है, इसके लिए वो कौन कौन से फंक्शन यूज करता है, क्लोज फंक्शन और ओपन फंक्शन मेंबर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो फाइल ऑपरेशन में नेक्स्ट फाइल आती है वो है एफ स्ट्रीम बेस। एफ स्ट्रीम बेस क्या काम करती है, दिस इज द बेस क्लास फॉर एफ स्ट्रीम, इफ स्ट्रीम एंड ऑफ स्ट्रीम। ये बेस क्लास होती है हमारी इनपुट एफ स्ट्रीम की, ओ एफ स्ट्रीम की और फाइल स्ट्रीम की। ठीक है, एफ ओ आई के आगे एफ लगा है तो इनपुट फाइल स्ट्रीम, आउटपुट फाइल स्ट्रीम और फाइल स्ट्रीम की बेस क्लास होती है। देयरफॉर इट प्रोवाइड्स ऑपरेशंस कॉमन टू दिस फाइल्स स्ट्रीम, ओपन फंक्शन एंड क्लोज करने फंक्शन। इसमें भी जो एफ स्ट्रीम बेस क्लास में जो आपकी फाइल स्ट्रीम के जो फंक्शन दिए हुए हैं वो है आपका ओपन फंक्शन एंड क्लोज फंक्शन। ठीक है, इनका यूज करके आप यहाँ पर कोई भी प्रोग्राम को बना सकते हैं। ठीक है, इन फंक्शंस का यूज करके। फिर है नेक्स्ट आपका इफ स्ट्रीम। इफ स्ट्रीम क्या होती है, इसको बोलते हैं इनपुट फाइल स्ट्रीम। Begins an input file stream class, it provides input operation for file, it inherits the function, get function, getLine function, read function and function supporting sigg function and tellg function. ये input file stream होती है, class होती है, it provide, ये provide करती है input operation को और inherit करती है function को। ठीक है, इसमें कौन कौन से फंक्शंस यूज होते हैं, गेट फंक्शन, गेट लाइन फंक्शन, रीड फंक्शन। ठीक है, और सपोर्टिंग इसके अलावा अलग फंक्शंस होते हैं, सीजी फंक्शन और टेलजी फंक्शन। इसमें ये सारे जो इनपुट फाइल स्ट्रीम है उसके अंदर के ये सारे फंक्शन हम यूज कर सकते हैं मेमोरी में रीड और राइट, रीड ऑपरेशन परफॉर्म, मतलब आपको रीड और राइट इनपुट के थ्रू। ठीक है, उसके लिए आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्लास चलती है आपकी इसके अंदर ऑफ स्ट्रीम। ऑफ स्ट्रीम क्या होती है, ये आपकी फोर्थ नंबर की क्लास है। ये क्या काम करती है, फ्रॉम आई स्ट्रीम क्लास डिफाइंड इनसाइड iostream.html। देखो, जो हमारी इनपुट फाइल स्ट्रीम है वो यूज करती है गेट फंक्शन को, गेट लाइन फंक्शन को, राइट फंक्शन को, सी जी फंक्शन को और टाइप जी फंक्शन को। और ये जो फाइल, ये जो आई स्ट्रीम क्लासेस है, आई एफ स्ट्रीम क्लास है, वो डिफाइन कर जाती है हेडर फाइल के अंदर iostream.html नाम से। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका ऑफ स्ट्रीम। ऑफ स्ट्रीम क्या होती है, ये हम इसमें समझेंगे। पहले Being an output file stream class, it provides output operation. ये provide करती है हमारे output operations को और it inherits the put function, write function, along with the function supporting random access, CP or stalp from O stream class defined inside iostream.h file. ये हमारे write operation को perform करती है और put फंक्शन को सपोर्ट करता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ रैंडम एक्सेस इसमें फंक्शंस होते हैं, सीपी फंक्शन, टैगपी फंक्शन, उनको भी जो हमारी ऑफ स्ट्रीम है वो सपोर्ट करती है। ठीक है, और इसके लिए जो फाइल होती है वो होती है ऑफ स्ट्रीम
.h header file, ठीक है। इसको इंक्लूड करके हम कोई भी फंक्शन को ऑफ स्ट्रीम के यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है एफ स्ट्रीम। एफ स्ट्रीम क्लास क्यों यूज की जाती है? इट इज एन आउटपुट इनपुट आउटपुट फाइल स्ट्रीम। ये इनपुट आउटपुट फाइल स्ट्रीम क्लास है, ये प्रोवाइड करती है, ठीक है, इनपुट और आउटपुट ऑपरेशंस को, इनहेरिट करती है फंक्शन को आई स्ट्रीम और ओ स्ट्रीम की, ओ स्ट्रीम क्लास के, एंड देयरफॉर आईओ स्ट्रीम क्लास डिफाइंड इनसाइड आईओ स्ट्रीम डॉट हेडर फाइल। जो आईओ स्ट्रीम क्लास है वो डिफाइन करते हैं इनसाइड आईओ स्ट्रीम डॉट हेडर फाइल। तो हमने सी प्लस प्लस में क्लासेस एंड फंक्शंस के अंदर हमने डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस पढ़ी, फाइल बफर, एफ स्ट्रीम बेस, इफ स्ट्रीम, ऑफ स्ट्रीम और एफ स्ट्रीम। ये हेडर फाइल्स के रूप में हम यूज करते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, ठीक है, और इसकी क्लासेस बनाते हैं, उसके फंक्शंस को, उसके मेंबर फंक्शंस को यूज करके हम अपने प्रोग्राम को इनपुट आउटपुट रीड राइट ऑपरेशन परफॉर्म कराते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके कुछ और आगे की जो फंक्शंस हैं उनके प्रोग्राम सीखेंगे और हम इसको एक बार इंप्लीमेंट करके देखेंगे अपने सिस्टम पर भी। थैंक यू।